आयुष्मान पुरुष एवं बाल कल्याण फाउंडेशन पुरुषों के लिए हेल्पलाइन नंबर 9711406498 पुरुष आयोग की मांग करने और क्षेत्रीय महिलाएं कानून में बदलाव के लिए। महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा कानून का उल्लंघन कर रही है, पीड़ित जो बुजुर्ग हैं उनके साथ तो बहुत ही ज़्यादा कर रही है, अपने पतियों के साथ कर रही है, सबसे ज़्यादा कर रही है जो उनके साथ रहते हैं। का केस है वो जेंडर न्यूट्रल है, सिर्फ इंडिया में ही है जो कि महिलाओं के ही अधिकार है। एग्रीड पर्सन सिर्फ महिला है, और पहले तो ये था कि महिला के अगेंस्ट भी नहीं हो सकता था डोमेस्टिक वायलेंस, अब तो चलो हो सकता है ना, इसलिए सास भी अब करने लगी है डोमेस्टिक वायलेंस का। उससे पहले तो सास को अधिकार ही नहीं था कि वो भी डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सके, क्योंकि सास के साथ तो डोमेस्टिक वायलेंस होता ही नहीं है, हमेशा बहू के साथ ही होता है। यही परिभाषा महिला आयोग ने दे रखी है, महिला आयोग कहना गलत होगा, पत्नी आयोग ने दे रखी है। अब पति जो है बहू को समझाने की कोशिश भी करता है लेकिन वो मानते नहीं है, वो किसको देखे, माता पिता को देखे अपने या बहू को देखे, वो मानेगी क्यों जब उसको इतने अधिकार झूठे दे रखे। 100 नंबर कॉल घुमाई, 112 पे कॉल किया और वो रानी, वो मानेगी क्यों। ये तो बैलेंस तो समाज का सरकार ने खुद ही कानून बना के इस तरह का खराब कर दिया ना। अभी आप शादी एक बैलेंस होता है, दो पहिए हैं, एक पहिए को छोटा कर दिया, एक को बड़ा कर दिया, तो गाड़ी तो टेढ़ी चलेगी। आपने पुरुषों के लिए हेल्पलाइन रख रखा था उसके अंदर आप? जी, ये हेल्पलाइन नंबर एनजीओ ने इशू कर रखा है हमारी। अच्छा, इसमें ये है कि जो भी पुरुष होते हैं उनके ऊपर झूठे केस होते हैं तो वो सुसाइड ना करें, उनको थोड़ा सा मोरल सपोर्ट मिले और थोड़ी सी लीगल एडवाइस मिल जाए उनको शुरुआती दौर में, ताकि वो सिर्फ सुसाइड करने से बचें। और काफ़ी ऐसे लोग हैं जो कि इस हेल्पलाइन नंबर पे फ़ोन करके और सुसाइड करने से बच चुके हैं, और वो आज और लोगों की मदद कर रहे हैं, तो इसलिए हमने ये करा है, एक पहल है। बाकी सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि पुरुष आयोग एक प्रॉपर चैनल में बनाए और वो देश की जनता को पुरुषों के हक में और जनहित में जारी करे, बना कर दे। चलो जी, मेरा नाम राजीव है और आप लोगों का मैं तहे दिल से आप लोग यहाँ पे आए इसके लिए मैं धन्यवाद करते हैं। हमारी एनजीओ का नाम है आयुष्मान पुरुष फाउंडेशन, जो कि विक्टिम्स जो भी पीड़ित भाई होते हैं उनकी हेल्प करते हैं। जो भी इस टाइम महिलावादी कानून बना हुआ है उसके अगेंस्ट हम लोग एक अपील है गवर्नमेंट से, भारतीय गवर्नमेंट से हमारी अपील है कि हमारी जो भी पुरुषों की अत्याचार हो रहे हैं, एक तरफा जो कानून बना हुआ है उसके विरुद्ध हम लोगों की आज यहाँ पे एक छोटा सा एक प्रोग्राम है, और इसके माध्यम से हम भारतीय सरकार को ये अपील करते हैं कि एक पुरुष मंत्रालय की भी स्थापना की जाए, जो भी हमारे इस टाइम पे हमारे पुरुष भाई हैं, विक्टिम्स हैं, उनके साथ जो भी घटना होती है या वो परेशान हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, इस माध्यम से हम भारतीय सरकार से एक उम्मीद करते हैं और एक हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि पुरुष मंत्रालय का संगठन जल्द से जल्द हो, जो जिस बनने से जो भी विक्टिम्स हैं वो सुसाइड से बच सकें और जो भी जो उनके साथ बुरा होता है उनसे वो बाहर निकल सके। तो हमारा एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव है अपना एनजीओ शुरू करने का, वो ये है कि जब आदमी पे केस लगता है, पुरुष पे केस लगता है, तो कोई उसकी सुनवाई नहीं होती, उसको एक कॉल आती है वुमन सेल से कि आप पे केस लगाया है और आपको आना पड़ेगा, यू विल हैव टू कम एट एनी कॉस्ट। बट उसके बाद क्या होता है, जैसे कि रूटीन में होता है कि उसको यहाँ का हमारा देश का कानून ही मान लेता है कि हाँ ये गुनहगार है, उसने गुनाह करा है, और वो उसको इस तरीके से देखा जाता है बुरी नजरों से कि हाँ भाई इसने जो भी स्त्री ने या उसकी धर्मपत्नी ने उस पर जो भी एलिगेंस लगाए हैं वो सही हैं। वो अपने आप को हर तरीके से डिफेंड करता है कि मैंने नहीं कहा, मैंने कुछ नहीं करा, लेकिन उसकी बात नहीं सुनी जाती। बहुत सारे लोग हैं वो हताश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, इस वजह से वो सुसाइड भी कर लेते हैं। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि कितने लोग, मासूम लोग जिन्होंने कुछ करा नहीं, जो एक अपना सुनहरा भविष्य देखना चाहते थे अपनी धर्मपत्नी के साथ, अपने बच्चों को रखना चाहते थे, आज वो उनके लिए तरस रहे हैं, उनको बच्चों की कस्टडी नहीं मिल पाती, उसके लिए वो
कोर्ट के जाते हैं, अपने फाइनेंशियली वीक हो जाते हैं, मेंटली वीक हो जाते हैं, कितने कितने उनको प्रताड़नाएं देखनी पड़ती हैं, चाहे वो हमारी सोसाइटी हो, चाहे वो हमारा कानून हो, हर तरीके से। तो हमारा यही ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे आने का, और सबको सबको उनके अंदर इस तरीके का जो डर बना रखा है इस टाइम, हम लोगों ने ही, ये आप मैं और किसी और की बात नहीं है, ये हम लोगों में से लोग होते हैं जो इस तरीके का हीन भावना एक दूसरे के लिए ला देते हैं कि नहीं इसने ऐसा करा है, तो हाँ ये इसने एक्चुअल करा है, जो उस पर आरोप लगे हैं वो एक्चुअल हैं, और जो कि नहीं होते, सालों साल केसेस चलते रहते हैं, भागते रहते हैं लोग, किसी की जॉब जाती है, किसी को समाज में बुरी नजरों से देखा जाता है, और यही होता है बाद में कि नहीं ये है इसने करा है, बाद में रिजल्ट आता है, कन्वर्शन रेट कुछ भी नहीं है इस टाइम, ना मात्र के है, जो भी हम पे एलिगेशन लगते हैं, जो भी व्यक्ति पे एलिगेशन लगते हैं उनका कितना कन्वर्शन रेट है, कुछ नहीं है, ना के मात्र है। बट उसमें क्या होता है, जो जिसने आरोप लगाए हैं वो तो आराम से हैं, वो तो अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, उनको कोर्ट आने की भी जरूरत नहीं होती, कुछ भी नहीं होती, एक बार लगा दिया, उनके एडवोकेट देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, और हम लोग क्या होते हैं, हमें आना पड़ता है, हमें ये होता है कि हम एक्स पार्टी कर देंगे, ये कर देंगे, ऑल दिस स्टफ। उस चीजों से निकालने के लिए हमारी एक छोटी सी मुहिम है, जो हमारा एनजीओ है APF, जो भी विक्टिम्स आते हैं हम उनकी इसी तरीके से हेल्प करते हैं कि नहीं आओ हमारे साथ जुड़ो, हम आपको गाइड करेंगे। बहुत से और मिसगाइड करते हैं, मैं अपनी एग्जांपल लेता हूं, जब मेरे पे केसेस हुए थे, तो हालांकि मैंने CRPC 125 मेरा फेवर में गया, मैंने डिसमिस भी कराया है, ठीक है, और DV का भी एंट्री पे है, उसमें भी मेरे पे फेवर में ही आया है, तो ये आती हैं चीजें। बट उस टाइम पे क्या, जब आप लीगल प्रोसीडिंग में जाते हैं उस टाइम पे आपकी कोई हेल्प नहीं करता, आपको बस ये दिखाया जाता है, नहीं आपने ऐसा करा है, आप सेटलमेंट कर दो, आप इतने पैसे दे दो, आप ऐसे कर लो, जो भी पत्नी ने कहा है वो आपको करना पड़ेगा, आपको वो कुछ नहीं करना है, हमारे माध्यम में आप आए, हमारे माध्यम के द्वारा जो भी हमारे से, जो भी हम खुद ही पीड़ित हैं, हमें पता है किस तरीके से प्रोसीडिंग होती है, जो भी हमारा थोड़ा बहुत भी हमें ज्ञान है वो हम आपस में शेयर करते हैं सब भाइयों से, और वही करते हैं कि ये चीजों से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको लड़ना है, आगे तक लड़ना है, सत्य में जीते। तो यही भाइयों हमारी मुहिम है, और बहनों कि हम लोग एक साथ जुड़े, एक दूसरे की हेल्प करें, निस्वार्थ हेल्प करें, और आपस में जुड़ के हम लोग जो पुरुष मंत्रालय की हमारी मांग है वो हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो जल्द से जल्द हमारी पूरी हो। हम अपना ज्ञापन राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को सौंपेंगे, और यही उम्मीद करते हैं और कामना करते हैं कि हमारा पुरुष आयोग जल्द से जल्द संगठित हो और बने, जिसका उद्देश्य ये है कि जो भी आज सुसाइड केसेस हैं और जो भी मिसहैपनिंग हो रही है वो एक मासूम के साथ, और जिसका कोई दोष नहीं है उसके साथ नहीं हो सके। धन्यवाद। तो पहनता है झूठ, सारी दुनिया का चक्कर लगाया आता है, ये कहावत सच भी है, लेकिन जब सच चलना शुरू करता है तो वो आगे ही निकल के आता है, अंत में जीत उसी की ही होती है। आगे मैं सिमरनजीत जी से कहूंगा कि वो आकर पुरुष आयोग की मांग के लिए दो शब्द कहें। हेलो दोस्तों, अज इत्थे दिल्ली आण दा मेरा मंतव सीगा कि बहुत लोग ने ओ अपनी आवाज या अपनी गल सही ढंग दे नाल लोकां दे विच नहीं रख सकते, ओ घर दे अंदर अपने दबे ही रह जांदे ने, ओ अपनी गल कहना चाहते ना मीडिया सुनदा, ना लोग सुनदे, ना रिश्तेदार सुनदे, सारे ही अपने मुंडे ने गलत कहना शुरू कर देंदे ने, माड़ी बस गल शुरू होण नहीं दे रहा भाई, मुंडे दे जिहड़े यार दोस्त ओ वी उहनूं कहण लग जांदे आ तैनूं कुड़ी रखणी नहीं आंदी हैगी, तैनूं नहीं पता हैगा किवें रखणा आ, अगली नूं पहले ही दब लो, मतलब जो दुनिया जहान की सलाह पुठी सीधी बात देनी शुरू कर देंदे ने। पर दोस्तों इत्थे मैं दसना चाहूंगा, ना तो यार मुंडा गलत है ना कुड़ी गलत है, साढ़े बस कानून ही कुछ अजिहे बन चुके ने कि बस असीं इन्हां दी दलदल दे विच धसदे जांदे आ। इह जिहड़े वैसे भी जे आपां एवें कुड़ियां नूं निंदे दे चंगे नहीं लगदे, असीं मैं उस देश तों बिलोंग करदा, मैं उस भारत तों बिलोंग करदा जिथे साडियां बच्चियां नूं देवी दा रूप मन्निया जांदा, नराते चलते से हूँ, कल भी कंजकां सी मेरे आपदे घर कंजकां बिठाइया गई, असीं तां बच्चियां नूं देवियां दे रूप मानते हैं, ते जदों वड्डियां हो जांदे असीं क्यों ऐसे घटिया शब्द असीं इहनां वास्ते इस्तेमाल करते हैं। इह कानून मेरे देश दे कानून नहीं हैगे, इह जिहड़े लोग फॉरनर साडे देश ते जिहड़े आए सीगे उहनां दे कानून हैगे ने जिहड़े कि साडे उत्ते चक्के थोप दित्ते गए ने। आपको हिम्मत नहीं हारनी है,
शुरुआत में क्या करते हैं 498 का केस अब दर्ज कराते हैं, उससे पहले लड़की के माता पिता भाई बहन पुराने आशिक दोस्त वगैरह उनके रिश्तेदार बहुत धमकियां देते हैं, जान से मार देंगे, घेर कर मार देंगे। आपको बस वहीं नहीं डरना है, वहीं उसी स्टेज पर नहीं डरना है। FIR हो जाने दो, तब तक घर से मत निकलो। आपके ऊपर FIR 498 की दर्ज हुई, उनका आना बंद, 99% केसों में आपको धमकी देना बंद। बस वेट करिए कि आप देखिए, आपके शादी संबंध नॉर्मल तो है नहीं, तभी आपको अड़काया जा रहा है, आपको गालियां दी जा रही हैं। जब गाली दे दी तो उसने दामाद का सम्मान का रखा, आपकी इज्जत तो मिला दी, फिर उसको लाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। पहले देखिए कि गलती आपकी है कि नहीं, स्वतंत्र भाव से बस निष्पक्ष रूप से सोचिए। गलती अगर आपकी है तो आप जाके कंप्रोमाइज करिए, है ना, हाथ जोड़ने हो, पैर पकड़ने हो, लेके आइए। अगर गलती आपकी है उसमें कहीं भी अहम नहीं पालना है, कहीं ये नहीं करना है कि हाँ मैं दवा हूं, मैं जनसूस में नहीं। गलती अगर आपकी है तो सबसे पहले जाइए, माफी मांगिए और मैं परिवार बताइए। गलती आपकी नहीं है तो दोस्तों झुकना भी नहीं है, सबसे बड़ी बात झुकना नहीं है हमें। फिर गलती हमारी नहीं तो हमें किसी की मत पर नहीं झुकना। और मर्डर और इसकी धमकियां ये सब बेफिक्स ही होती है, करा नहीं जाता है। कितनों के मर्डर हो गए, कितनों के मर्डर हो गए आप बताइए, आपकी जानकारी में है जिसको धमकी मिली हो उसका ससुर उसका मर्डर कर गया हो? नहीं। अच्छा एक चीज और आती है, केस डलने के बाद जब दो तीन साल हो जाते हैं तो लड़की कहती है मैं रहने को तैयार हूं, है ना, और आप कहते हैं मैं कोर्ट में कहूंगा कि मैं रखने को तैयार नहीं तो मेरे अगेंस्ट आएगा, तो उस स्टेज पर फंस जाते हैं, समझे ना। जैसे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं, भाई ले जा, तो आप वहां पर सिंपली पुलिस ऑफिसर या उसको जज को बोल सकते हैं कि सर इसने ये जाने को तैयार है, इसका मतलब मैंने कोई भी प्रताड़ना इसके ऊपर नहीं करी, मैंने इसके ऊपर कोई प्रताड़ना नहीं करी, तभी तो वो मेरे पास जाने तैयार है, घर में जाने तैयार है, जिसमें उसने प्रताड़ना की बात कही है, इसका मतलब मैं दोषी नहीं हूं। अगर ये लिख के खुद देती है यहाँ पे कि आगे से मैं कोई फ्रॉड केस नहीं करूंगी, मैंने जो झूठे केस करे हैं अपनी मर्जी से, अपने घर वालों को सिखाए में आके करे हैं, खुद अपनी मर्जी से करे, खुद के विवेक के आधार पर करे हैं, तो ये लिख के दे तब मैं फिर लेके जाऊं, अदरवाइज मैं नहीं लेके जाऊंगा। क्योंकि जब ये जाने तैयार है, जब ये खुद जाने तैयार है, इसका मतलब उनके लिए प्रताड़ना नहीं है, तभी तो जा रही है। तो आप ऐसे करके सिंपली ट्राई कर सकते हैं, उसी को ऊपर रख दे, वो लिख के कभी नहीं दोगी 99.99% की मेरी गलती थी, ठीक है ना। जब बहुत मौके आते हैं, बहुत दोस्तों के फोन आते हैं, बहुत हमारे मेंबर्स के फोन आते हैं कि अब जज ये कह रहा है कि फाइनल लेकर जा, नहीं लेकर जाएगा तो हम देख लेंगे तेरे को। तो आप दोस्तों बोलो कि जब ये लड़की जाने तैयार है और ये कह रही है मैं जाके रह सकती हूँ, अच्छे से रह सकती हूँ, तो फिर उसने जो केस डाले मेरे ऊपर तो छोटे डाले ना। तो अगर ये लिख के जब तक नहीं देगी कि मैंने झूठे केस दाखिल करे थे इनके ऊपर, तब तक मैं नहीं लेके जाऊंगा, है ना। तो आप ये सिंपली बोल सकते हैं, वो तो फिर सोच करेंगे भाई लिख के दे, वो कभी नहीं लिख के देगी, सब वकील मना कर देगा कि बेटा ऐसे लिख के नहीं देना। तो आप ये जो प्रोसीजर वो अपनाए, ठीक है ना। किसी के दबाव में अगर पुलिस वाला है तो पुलिस वाला है, उसको माई बाप मत समझिए, ठीक है ना। सिंपली बोलिए लड़की लिख के देगी तब मैं लेके जा सकता हूँ। अच्छा और बड़ा षड्यंत्र, अगर आप ले आए और एलिगेशन बहुत बड़े हैं, बहुत संगीन है आपके ऊपर, छेड़खानी के लगे हैं पेरेंट्स के ऊपर या बलात्कार के लगे हैं, बहुत केसों में छेड़खानी बलात्कार के लगा दिए जाते हैं लगभग 50% केसों में, तो भाई साहब किसी कीमत पर लेकर नहीं आना है, किसी भी कीमत पर नहीं लेकर आना है। क्योंकि हो सकता है वो प्रूफ नहीं कर पा रही हो, एक बार आ जाए अगली बार आजकल हस्बैंडों के मर्डर करा दिए जाते हैं, अंदर को कुंडी खोली राम नाम सकते अपना सारी प्रॉपर्टी, उसे केस लड़ने की जरूरत नहीं, उसी के नाम आ जाएगी, दो छह महीने मुश्किल हो जाएगी, 2 महीने रुको, अगले दिन हो सकता है चली जाए, 3 महीने तक का भी इंतजार ना करें आपकी, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसे लोगों को लेके नहीं आना है जो कल को हमारे लिए खतरा पैदा हो जाए, ठीक है दोस्तों। और इसी के साथ में अपनी हाँ एक चीज और है कि हम और क्या कर सकते हैं, हमें हम अंदर ही अंदर कहते हैं कि यार हमारी इज्जत, हम ये थे, हम इंजीनियर हैं, हम कलेक्टर हैं, हम डीएम हैं, हम पुलिस वाले, कभी पुलिस वालों के साथ भी होता है ऐसा, और हैं भी काफी पुलिस वाले हमारे बीच भी, हमारे ग्रुप में भी है जो उनके ऊपर प्रताड़ना हो रही है, लेकिन वो खुल के बोल नहीं पाते क्योंकि वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, उनकी मजाक बनेगी। तो क्या करना है, क्योंकि अंदर जो कोयला है ना हमें, वो हमें बड़ा नुकसान देता है। खुल के बोलिए, 4 दोस्त बनाइए, होती एक माँ भी महिला होती है, उनका क्या दर्द होता है वो आके रखे। नमस्कार सभी को, मैं सभी भाइयों से एक बात की माफी चाहूंगी कि लड़कियां सभी के घर में है, चाहे वो बहन के रूप में हो, माँ के रूप में हो, पत्नी के रूप में हो, और मैं भी एक नारी हूँ, इसलिए कोई भाई मेरी बात का बुरा ना माने, क्योंकि
आजकल की जो नारी है ना, उसको ये कहा गया था बहुत पहले कि अब नारी अबला नहीं रही, सबला हो गई है। और ये आप देख रहे हैं कि वो अब एक पुरुष की होकर रहना नहीं चाहती, वो अब सचमुच में ही सबला हो गई है। और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। अभी मेरे एक भाई यहाँ कुछ बोल रहे थे कि पुरुष आयोग बनने से क्या होगा। पुरुष आयोग बनने से एक मुट्ठी बनेगी, एक शक्ति बनेगी, जिससे हम अपने सामने वाले दुश्मन को ललकार सकेंगे। मेरा कहना ये है कि ऐसी महिलाएं जो बहुत कम संख्या में है, मगर उन्होंने पूरे तालाब को बंदा कराया। अच्छी महिलाएं इसी में आती हैं और बुरी लड़कियां भी इसी में आती हैं। एक लड़की होती है जो अपने खानदान की इज्जत के लिए मर मिट जाती है और अपना पालन पोषण भूखे प्यासे रहकर अपने घर वालों की, ससुराल वालों की इज्जत के लिए पूरी तरह से समर्पित रहती है। मगर एक लड़की ऐसी है जिसको ऐश आराम चाहिए, मॉल में घूमना चाहिए, अच्छा खाना पीना चाहिए, उसको अपने पति की इज्जत नहीं चाहिए। मैं यही चाहती हूँ कि पुरुष आयोग, मैं इस पुरुष आयोग की एक शक्ति हूँ और मैं ऐसी महिलाओं से नफरत करती हूँ जो महिलाएं इस तरह के व्यवहार करती हैं, दूसरे के बच्चों को मारती हैं और मरवाती हैं, बच्चे आत्महत्या करते हैं। मैं उनके विरोध में हूँ, मैं महिला जरूर हूँ, मगर मैं पुरुष आयोग के गठन के साथ हूँ। और आज से नहीं, जिस दिन से मुझे पता चला था कि पुरुष आयोग है, मैं उस दिन से पुरुष आयोग के साथ खड़ी हूँ और खड़ी रहूंगी, क्योंकि मैंने बहुत से बच्चों को अपने जान की बलि देते हुए देखा है। मैंने देखा है कोई, अच्छा ये इसकी दूर हो जाती हूँ, सॉरी भाइयों, मैंने बच्चों की आत्महत्या करते हुए देखा है। एक इंडिया गेट के ऊपर मीटिंग चलती थी पुरुष आयोग की, मैंने उसमें कितने माँ बापों को तड़पते हुए देखा है कि हमारे बच्चे ने सुसाइड भी कर लिया मगर फिर भी बहू हकदार है, उसको प्रॉपर्टी चाहिए, उसको हमारे घर का सब सामान चाहिए, वो हमें बाहर निकाल देना चाहती है। और ये हुआ है, हमने अपनी आंखों से देखा है। इसलिए मैं पूरी तरह से विरोध में हूँ। मैं एक महिला हूँ, मुझे इसमें ना गिने कि एक महिला होके या कोई नारी मेरा भाषण सुन के ये ना सोचे कि ये कैसी महिला है, ये पुरुष के विरोध में खड़ी है, क्यों ना खड़ी हूँ। मैंने ऐसे ऐसे शरीफ लड़कों को मरते हुए देखा है जिन्होंने उनकी हर ख्वाहिश पूरी की है। अपनी ख्वाहिश पूरी करने के बाद वो दूसरे लोगों के साथ मुझे कितनी जगह घूमती मिली है और वो कहती नहीं मैं तो अबला हूँ, मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है। मैं दावे के साथ ये बात कह सकती हूँ कि मैं उनको जहाँ कहूँ वहां रंगे हाथ पकड़ के दिखा सकती हूँ। मैं अब इसके बारे में और क्या कहूँ, इससे ज्यादा नारियों को बेइज्जती करने का और इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, क्योंकि जितनी नारियां हैं वो सब पुलिस वालों से मिल जाती हैं। हमारे बच्चों के ऊपर जो केस होते हैं वो सारे पुलिस वालों की वजह से होते हैं। अगर पुलिस वाला सही हो और उसको ये लगे कि मेरे भी घर में कल बहू आने वाली है तो ये होगा नहीं, क्योंकि सारा जो इसमें गठा हुआ होता है वो पुलिस वाले का होता है। मुझे भी पुलिस वाले ने बहुत हरासमेंट किया है मगर वो मुझ तक नहीं पहुंच पाया, उसने अपना निशाना कहीं दूर लगाया है, मगर वो कितने दिन बचेगा? एक दिन तो मेरे हत्थे चढ़ेगा जरूर। मैं भी उसकी माँ हूँ, वो होगा पुलिस वाला, मैं भी एक नारी हूँ, उसको छोड़ने वाली नहीं हूँ। अगर सच्चाई के साथ रहता तो मैं भी उसको सपोर्ट करती और लड़कियों की बड़ाई करती, मगर वो इतना गंदा और गंदे खून का है कि जातिवाद भी रखते हुए वो महिलाओं से इस तरह के संगठन बना के बेचारे गरीब लोगों को पटकारित करता है और उनसे पैसे की डिमांड करता है। अगर कोई ये बोले किस पुलिस वाले ने पैसे की डिमांड की, मैं उसको साबित कर सकती हूँ, मेरे पास रिकॉर्डिंग तक है कि हाँ तूने पुलिस वाले पैसे की डिमांड करी है, तेरा चरित्र भी गिरा है और तेरी आत्मा भी गिरी हुई है, इसलिए तू शोषण करता है लोगों का। अब मैं आपको क्या बोलूं, अगर मैं बोलूंगी तो मेरी बात बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही समाप्त करती हूँ।